और अब तुगलकाबाद किले की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर मैं आ गई हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आपको सब दिख रहा होगा, मेरे जो नीचे हैं यहाँ पर ये जो अपराधी होते थे उनको, क्योंकि इसका निर्माण जो है गयाज़ुद्दीन तुगलक ने करवाया था, उनको सज़ा यहाँ दी जाती थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल जगह था, ठंडे के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंडा यहाँ लगता है। अंदर अंधेरा है, ओह माय गॉड काफ़ी अंधेरा है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है ये देख रहे हैं, ये इतना सा ये दरवाज़ा था। तुगलकाबाद किले की सबसे ऊंचाई वाली जगह पर मैं आ गई हूँ। ये देखिए मेरे पीछे आपको सब दिख रहा होगा, मुझे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी पत्थर हैं। और ये जो है ठीक मेरे जो नीचे हैं यहाँ पर के जो अपराधी होते थे उनको, क्योंकि इसका निर्माण जो है गयाज़ुद्दीन तुगलक ने करवाया था, उनको सज़ा यहाँ दी जाती थी। ये जो आप कुआं देख रहे हैं बहुत गहरा है, बहुत गहरा है और थोड़ा सा डर भी लग रहा है, तो मैं अब यहाँ से निकलती हूँ। और ये देखिए यहाँ से पूरा जो है आपको व्यू नज़र आ रहा होगा। ठंड बहुत ज़्यादा है दिल्ली में और ऊपर आके थोड़ी सी मेरी सांस भी फूल गई है, बट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पीसफुल है। और ये देखिए ये पीछे तक देखिए ज़रा, ये देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये जो ऊंचाई पर जाना जो है अलाउड नहीं है, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे ज़रा से कुछ वीडियोस बनाने और यहाँ से चढ़ना भी मुश्किल था और उतरना भी मुश्किल है, और मैं फाइनली उतर आई हूँ। ये है वो कुआँ, ये देखें बहुत 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 गहरा है पर इस कुएँ। तो ये जो कुआँ है देख रहे हैं कितना गहरा है, कितना गहरा है। चले यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। और ये देख रहे हैं आप मेरे पीछे मस्जिद है, जिसे गयाज़ुद्दीन तुगलक नहीं बनाया था जब ये किला बन रहा था, लेकिन ये जो है ये जो आप देख रहे हैं ये मदरसा है। और ये जो मदरसा है वो गयाज़ुद्दीन तुगलक ने नहीं बनवाया था, ये दरअसल तुगलक वंश के बाद जो है मुग़ल वंश शाहजहां ने इसको बनाया था। ये जो है ये देखिए आप मस्जिद है, मैंने शूज़ पहने हुए हैं तो मैं अंदर नहीं जाऊँगी, यहीं से बस मैं बाहर निकल रही हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये मीना बाज़ार है। अब क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है तो मैं इसे यहीं से आपको दिखाती हुई, देखिए ये रॉयल फैमिली के लिए था और ये बाज़ार था और 32 रूम इसमें यहाँ पर हैं। ये देखिए कितना दूर तक जाता है, ये देखिए देख रहे हैं आप कितना दूर तक जाता है। देख रहे हैं और अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने वाला है क्योंकि इवनिंग हो चुकी है। और ये यहाँ पर 32 रूम्स
हैं इस वक्त, और जब बनाए थे गयासुद्दीन तुगलक ने जब से बिल्ड किया था। और ये मीना बाजार में यहाँ पर रॉयल फैमिली जो है शॉपिंग किया करती थी। आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से कितना उस वक्त कितना शानदार ये रहा होगा, कि जब मार्केट उस वक्त सजती होगी, बाजार ये मीना बाजार जब सजता होगा, तब कितना खूबसूरत लगता होगा। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ से निकल रहे हैं। बहुत कंफर्टेबल जगह था, ठंडे के मौसम में गर्मी, गर्मी के मौसम में ठंडा यहाँ लगता है। तो मेरे रूम गिन लिए हैं, मैं वहाँ से वॉक करके यहाँ तक आ गई हूँ, और पूरे 32 रूम्स हैं मीना बाज़ार के। ये देखें अंदर अंधेरा है। ओह माय गॉड, काफ़ी अंधेरा है, मुझे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो है ये देख रहे हैं, ये इतना सा ये दरवाज़ा था, और यहाँ पर ये मार्केट सजती थी। ये लैंप का एरिया था जहाँ पर लाइट के लिए, उजाले के लिए रखा जाता था, क्योंकि उस वक्त तो लाइट नहीं थी। चले आगे बढ़ते हैं। हाँ क्या